स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मार्च 2018 तक के पानी के बिल का भुगतान कर चुके जमनेपाली साड़ा स्थित बैंक कॉलोनी वासियों के पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। लोगों के मुताबिक इस बाबत शिकायत करने जब महिलाएं जोन के इंचार्ज अशोक बनाफर के पास पहुंची तो उन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता की। पीड़ितों का कहना है कि अगर 7 दिनों के भीतर उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो वो जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत पत्र सौंपेंगे। गोवर्धन में एनजीटी के आदेश पर सरकार के धर्मार्थ विभाग द्वारा श्राइन बोर्ड के गठन और 3 मंदिरों के अधिग्रहण प्रस्ताव को लेकर सेवायतों ने सर पर काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रैली निकाली। सेवायतों और ब्राह्मणों की मांग है कि सरकार मंदिरों का अधिग्रहण ना करे। ये हमारी संस्कृति और ब्राह्मणों की धरोहर है जिसका हम अधिग्रहण नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मानिकपुर क्षेत्र की महिलाएं बॉटल में दूषित पानी भरकर मानिकपुर इलाके के उप प्रबंधक के कार्यालय पहुंची। उन्होंने कहा कि उनके नल में जो पानी निकल रहा है उसमें गंदगी और सूक्ष्म कीड़े मिले हुए हैं जिसकी वजह से वहां के लोग बीमार हो रहे हैं। प्रबंधन ने इस बारे में उनके समाधान की मांग की है लेकिन प्रबंधन अभी तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर सका है। जम्मू कश्मीर के LOC पर सुबह पाकिस्तान की ओर से जबरदस्त फायरिंग की गई। आरएसपुरा सेक्टर में हुई इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत जबकि अन्य 7 घायल हो गए। आपको बता दें कि मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। आधार की संवैधानिक वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब प्राइवेट कंपनी आपसे एड्रेस प्रूफ मांगती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर सरकार एड्रेस प्रूफ मांगती है तो इसमें आपको दिक्कत क्यों है। गोवा में वास्को शहर को पटनी से जोड़ने वाले राजमार्ग पर अमोनिया गैस ले जा रहे टैंकर के पलट जाने के बाद समीपवर्ती चिकालिम गांव को खाली कराया गया जिसमें 2 महिलाओं की गंभीर हालत हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि टैंकर मारमू गांव पोर्ट ट्रस्ट से जुआरी औद्योगिक शहर लिमिटेड तक अमोनिया गैस ले जा रहा था। पाकिस्तानी जेल में बंद कुलभूषण जाधव को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बलूचिस्तान के सामाजिक कार्यकर्ता मामा कादिर बलोच ने मीडिया से बातचीत कर पाकिस्तान के इरादे का पर्दाफाश करते हुए कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने ईरान में जाधव को अपहरण करवाया था। इसके लिए उसने जैश उल अदल के आतंकी मुल्ला अमर को करोड़ों रुपए दिए थे। दक्षिण मुंबई के लोअर परेल स्थित नवरंग स्टूडियो में भयंकर आग लग गई। ये स्टूडियो पिछले कई सालों से बंद पड़ा है। आग बुझाने के क्रम में एक फायरमैन के जख्मी होने की खबर है। एक सीनियर फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि कई सालों से बंद पड़े स्टूडियो का एक हिस्सा आग में जलकर खाक हो गया है। GST काउंसिल की बैठक में 29 सामानों की GST दर घटाने का फैसला हुआ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि दिल्ली में हुई बैठक में पेट्रोल और डीजल को GST में लाने पर अभी कोई विचार नहीं हुआ है। आपको बता दें कि GST की नई दरें 25 जनवरी से लागू की जाएंगी। भारत दौरे पर आए इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू मायानगरी मुंबई में एक कार्यक्रम में शिरकत करके तमाम बॉलीवुड हस्तियों से मुलाकात की। अपनी मुलाकात को यादगार बताते हुए PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अंग्रेजी में एक शब्द होता है स्पीचलेस जिसका एहसास मुझे यहां अमिताभ बच्चन से मिलकर हो रहा है। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।